बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। नए चेंजेस कनाडा ने जो किए थे उसके बाद नए चेंजेस वाली फाइलों के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। बहुत पॉजिटिव माहौल है। किस तरीके के रिजल्ट पैटर्न दिख रहे हैं 5.5 वालों के और पीटी वालों के, आज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ आज एज एन गेस्ट मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट वीना गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर। वीना जी, बहुत सारे डाउट्स थे, एक्सपर्ट्स का भी मानना था, जो पैरामीटर रिलैक्स किए गए हैं इससे फाइलिंग तो बढ़ेगी पर रिजल्ट में क्या वो कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, तो अभी जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं वो कैसे हैं? अभी तो रिजल्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। नेचुरल है कि अभी स्टार्ट ही हुआ है तो फाइल्स उतनी अभी वैसी जो हैवीली लोडेड नहीं है, तो मीन्स स्टूडेंट के अभी इस टाइम तो फिलहाल रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। पर एक मतलब एक्सेप्टेंस तो हुई है 5.5 वालों की, रिजल्ट ये तो बता रहे हैं, ये तो क्लियर है? ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो अभी चेंजेस आए हैं उसमें कह दिया गया कि 6 बैंड ओवरऑल एंड पीटी में जो है 60 मींस नॉट लेस देन वाला ना आइल्स में है ना पीटी में है। स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक के लिए बहुत ध्यान रखें क्योंकि रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। 5.5 वाले केसेस के रिजल्ट पॉजिटिव, वीज़ा दिखने शुरू हो गए हैं। इसको देखकर अब ज़रूर ऐसा लग रहा है कि जनवरी में फाइलिंग और ज़्यादा फास्ट होगी। आपको लगता है वीना जी अब बहुत ध्यान से फाइलिंग करनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट पैटर्न की जैसे जैसे न्यूज़ आएगी तब जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड हैं वो भी फाइलिंग लगाएंगे, जो कनाडा से रिफ्यूज्ड हैं वो तो लगाएंगे ही, जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड हैं शायद वो भी अपना लक अब कनाडा की ओर ट्राई करें। बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी रिजेक्शन दी है पिछले कुछ टाइम से। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन बड़ा एक वो कहते हैं ना कि जिसमें स्थिरता नहीं चल रही है तो कभी वीज़े आ रहे हैं कभी नहीं, जो बच्चों की रिजेक्शन हो जाती है वो दोबारा चांस मिलना मुश्किल होता है। तो कनाडा की एक चीज़ मैं बहुत पसंद करती हूँ खुद से भी कि उसमें वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा हैं और बाई चांस रिजेक्शन है तो आप 10 बार भी फाइल लगाओ वो कभी ये नहीं कहेंगे कि यू कैन नॉट पुट अप योर फाइल, और किसी भी कंट्री से यू कैन पुट अप योर फाइल, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। वो प्रेशर फिर एम्बेसी पे बढ़ेगा, जब बढ़ेगा उस टाइम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स टाइमली फाइल करें। बात करते हैं जनवरी इनटेक की ऑप्शंस की। जनवरी इनटेक फ़िलहाल कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, कब तक जनवरी इनटेक में फाइलिंग की ऑप्शंस खुली रहेंगी? जैन इनटेक की मीन्स के अभी तो सीट्स हैं अवेलेबल, ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रोग्राम्स में अवेलेबल हैं। अब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मान लीजिए अगर स्टूडेंट कहता है मेरे को ब्रैम्पटन ही जाना है तो वो थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है कि हो सकता है कि वहाँ वाले कॉलेज में किसी में जो है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम की सीट ना हो, लेकिन दूसरे प्रोग्राम की मिल सकती है। अगर स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है कि अगर उसको वहीं जाना है फिर तो उसके पास चॉइस है, लेकिन उसको वो प्रोग्राम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो उसको सिटी के साथ या प्रोविंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चॉइस इज़ योर्स व्हाट यू वांट, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर प्रोग्राम चाहते हैं तो नेचुरल है देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द लोकेशन। वीना जी क्या लगता है इस बार वीज़ा भी बढ़ेंगे कनाडा के? नेचुरल है कि रिजल्ट अच्छे हैं तो वीज़ा तो बढ़ना ही है, उनका एक सेट टारगेट होता है उतना वीज़ा तो उन्होंने देना ही होता है। तो इस बार रुझान बच्चों का दूसरी कंट्रीज़ की तरफ रहा एक नेगेटिव र्यूमर आने से, जबकि ये मैं हर शो में कहती हूँ कि ये बहुत लंबे टाइम इफेक्ट नहीं रहता इन चीज़ों का कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट है या कुछ, वो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं बहुत जल्दी चीज़ें संभाल लेती हैं। हाँ, जो बच्चे ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे वो लूज़र रहेंगे, तो बेटर है किसी भी चीज़ में ये सोचने की बजाय कि वो कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है कि अभी काम नहीं मिल रहा। हो सकता है कि अगर आपको कि मेरे को ब्रैम्पटन जाना है और वहाँ काम मिल जाए वो मुश्किल हो सकता है, प्रोविंसेस में जाइए रीजनल एरिया में जाइए आपको काम 101% मिलेगा ही मिलेगा। और इस मौके का फ़ायदा उठाइए कि अभी वीज़ा ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यही टाइम होता है किसी भी कंट्री की जब कोई थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, मैं सोचती हूँ वो स्टूडेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं उस समय। सो मेन टेक भी फिलहाल अवेलेबल है, आपको लगता है मई में भी स्टूडेंट्स को फाइलिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, मई भी अवेलेबल है तो मई के लिए अगर जो प्रोग्राम उनको जैन में नहीं मिल रहा तो वो मई में मिलेगा। अब अगर नेचुरल है कि उसको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चाहिए और वो जैन में अवेलेबल नहीं है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मई के अलावा।
सो स्टूडेंट्स, जनवरी की अब आप बहुत ज़्यादा वेट ना करें। अगर आपको क्लियर है कि आपको कनाडा जाना है तो आप एक वेल एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट चूज़ करें और अपनी फाइलिंग ज़रूर टाइमली कर दें। कोई भी सवाल है, स्क्रीन के ऊपर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।